जय हिंद, स्वागत है दोस्तों आपका डीप डाइव विद अभिनव करे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किस तरह भारत सरकार ने 1948 में हैदराबाद के जो निज़ाम हैं उनको फोर्सफुली सरेंडर करवाया। क्या थी इन सारी चीज़ों की जो कहानी, तीन मुख्य बातें मैं आपसे करना चाहूँगा। पहला, हिस्ट्री ऑफ हैदराबाद निज़ाम। सेकेंड, क्या था ऑपरेशन पोलो। थर्ड, क्या थी सुंदरलाल कमेटी की रिपोर्ट। तो चलो कूदें। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले पॉइंट नंबर वन से, जिसमें हम बात करेंगे हैदराबाद की हिस्ट्री क्या थी। तो भारत इस समय ब्रिटिश राज से आज़ाद हो रहा है, हो चुका है, और 206 जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो भारत में मिल चुके हैं। केवल एक स्टेट है जो 13 महीने तक लगातार विरोध करता रहा इंडिया में मिलने का, ये स्टेट था हैदराबाद, जो हैदराबाद के निज़ाम के अंडर में आता था। अब इन भाई साहब का भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू था। ये कहते थे कि हमें अंग्रेज़ों की गुलामी मंजूर है, लेकिन हम भारत में मिलने को किसी भी तरह तैयार नहीं है। यहाँ तक होती बात तो भी ठीक था, लेकिन इसके बाद इनकी एक रजाकर करके एक मिलिट्री होती थी, जो वहाँ पे रहने वाले जो हिंदूज थे, जो उस समय वहाँ माइनॉरिटी में होते थे, उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे। इसकी वजह से फाइनली मजबूर होके नेहरू जी को, जो उनके जो होम मिनिस्टर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनके साथ अग्री करना पड़ा और इन्होंने सैंक्शन किया ऑपरेशन पोलो। तो क्या था ऑपरेशन पोलो? हैदराबाद can solve the minority problem of the whole subcontinent only if you wish. Azad Hyderabad! Azad Hyderabad! So, जब नेहरू जी की डिप्लोमेसी और डायलॉग 12-13 महीने तक कोई रिजल्ट नहीं लेकर आए, तो सरदार पटेल ने डिसाइड किया और उन्होंने बोला कि ये जो स्टेट ऑफ हैदराबाद है, ये भारत के सीने में एक छाले की तरह है, जिसको एक सर्जिकल स्ट्राइक से बाहर निकालना पड़ेगा। और जिस चीज से मुल्क को फायदा नहीं होता है, उस चीज से आकर हमको खुद को भी नुकसान होता है। वो चीज हमें समझ के, हमें जो हिंदुस्तान आज सदियों के बाद एक हुआ है और एक मौका मिला है, वो गुमाना नहीं चाहिए। इस तरह के डिसाइसिव लीडरशिप वाली पर्सनालिटी रखते थे वो। उन्होंने सैंक्शन किया ऑपरेशन पोलो। रातों रात 36,000 इंडियन आर्मी का ट्रूप था वो गया, रातों रात ये सारी चीज़ें इन्होंने सेटल करी। निज़ाम ऑफ हैदराबाद की जिद के कारण बहुत सारे जो मासूम सिविलियंस थे, बहुत सारे जो उनके सेना के जो लोग थे, वो मारे गए। लेकिन फाइनली हुआ वही जो होना था, हैदराबाद को सक्सेसफुली भारत में मिला लिया गया। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 पे, सुंदरलाल रिपोर्ट। क्या थी ये सुंदरलाल रिपोर्ट? जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म करी जिसको हेड कर रहे थे पंडित सुंदरलाल जी। उनके अलावा इसमें दो मेंबर और थे, एक का नाम था काजी अब्दुल गफ्फार एंड तीसरे थे मौलाना मिस्री। इनको नेहरू जी ने हैदराबाद के टूर के लिए भेजा उन शिकायतों के बदले में, के जवाब में, जिसमें बार बार कहा जा रहा था कि इंडियन आर्मी हैदराबाद के अंदर काफ़ी ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। सुंदरलाल रिपोर्ट जब बनकर आई तो इसको काफ़ी समय तक छुपा के रखा गया। फाइनली जब इसके रिजल्ट निकले तो पता चला कि यूनाइटेड नेशन में जो कंप्लेन करी थी हैदराबाद के निज़ाम ने, वो गलत थी, और उनकी जिद और उनकी मनमानी के कारण ये जो ऑपरेशन पोलो था उसमें 27,000 से लेकर 40,000 लोगों के बीच की जान गई थी। मतलब एक आदमी जिसका लालच और जिसका ईगो इतना बड़ा हो सकता है कि 40,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, ये थी उस रिपोर्ट की असलियत। तो होपफुली अब हम लोग इन सारी चीज़ों से एक लेसन लेते हुए चलेंगे कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को इतना इम्पॉर्टेंट, इतना एब्सोल्युटली पावरफुल ना होने दो कि उसकी वजह से हज़ारों लोगों की जान इतनी आसानी से जा सके। बात यहाँ तक आई कि फाइनली हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उन्होंने यूनाइटेड नेशन के अंदर जो अपनी जो कंप्लेंट डाली थी वो उन्होंने वापस ली। उनको मानना पड़ा कि उनकी कंप्लेंट थी वो झूठी थी। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट कर हमें बताइए, और ऐसे कौन से टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि इस सीरीज में हम कवर करें। थैंक यू वेरी मच। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल